अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उसका भाई बासित कमाल अब्बासी हाजिर है और बाइक्स रेडी हो गई हैं। कल रात भी मुझे बताने का टाइम नहीं मिला। स्टोरी थोड़ी सी लंबी है, आप ये देख सकते हैं। ये मैं आपको इसका अभी दिखा भी देता हूँ होटल, और पूरी कस्सा पूरी कहानी सुनाऊँगा। कहीं बारिश एंड हो जाए ना तो फिर वहाँ बैठ के तफसीलन आपसे बात को बताऊँगा। नारान इज़ ब्यूटीफुल प्लेस बट स्कैमर्स ऑफ। और अगर आपको ऐसा मौसम मिल जाए, ओए होए होए होए, कमाल ही मज़ा आ जाए। इतना शानदार मौसम हो, और अगर आप 1 किलोमीटर आगे निकलें तो तकरीबन जो बाटा कुंडी से भी काफ़ी आगे तक का रास्ता कमाल का हसीन है, मतलब आला ही किस्म का। चेक कर रहे हैं आप ट्रेंड्स, व्यूज़ देखें आप। चेक कर रहे हैं आबशार, माशाल्लाह ये गिर रहा है आबशार सीधा दरिया के अंदर। बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत खूबसूरत हसीन कमाल व्यू है यार। मतलब जन्नत। अच्छा भाई, अब ये झरने के अंदर से हमने जाना है, और यार ये नारायण से बाटा कुंडी तक के रास्ते में झरने ना इस तरीके से रोड पे उतरते हैं, और जाना गाड़ी इसमें से निकालना काफी मुश्किल है। ये निकल गए। और आप सामने व्यू चेक कर सकते हैं, क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है। और ये लुक आप टर्निंग्स देख सकते हैं, मतलब यहाँ से एकदम उतराई उतरना और फिर सामने दोबारा चढ़ना, ये चढ़ाई। अभी हमारे सारे बाइकर्स आ जाएं तो फिर हम निकलते हैं। ये असद भाई गए, अच्छा भाई ये जो आप देख रहे हैं रास्ता, इस पे रास्ते पे सबसे पहले तो आपने गाड़ी जो है वो आते हुए स्लो चलानी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जगह जगह पानी पड़ा हुआ है, और गाड़ी का स्टेयरिंग अगर आप गाड़ी पे भी हैं, बाइक पे नहीं है, तब भी जो है वो स्लो ही रखना है। क्योंकि आपको पता है कि अगर दो व्हील्स आपके जो है वो एक साथ पानी में चले जाते हैं तो आपके दो व्हील्स का जो टॉर्क है वो थोड़ा सा इफ़ेक्ट हो जाता है इससे। तो बेहतर ये है कि आप अपनी जान की हिफाजत खुद करें, और अगर आप बाइकर हैं तो वो तो आपको एक एक टर्न जो है वो एक एक स्टेप जो है ना वो आपको बड़ा भूख के रखना है, क्योंकि कहीं पानी पड़ा हुआ है या कहीं फ्लो के अंदर, जैसे ये झरना है ये फ्लो के अंदर बह रहा है, और ये ऐसे ही फ्लो के अंदर आपको दरिया किनार में डुबकी लगवा सकता है अगर आप एहतियात नहीं बरतेंगे तो। अपने घर वालों की और अपनी जो है वो खुद ही हिफाजत करें, क्योंकि आप यहाँ लोकल्स, जैसे ये पीछे लोकल खड़ा हुआ था हमारे, तो आप इनको देख सकते हैं कि ये अपने रेगुलर रूटीन के अंदर भी होते ना तो इतनी रैश ड्राइविंग नहीं करते, यहाँ पे बहुत आराम से और बहुत तरीके से करते हैं। इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते जाएं और अपनी राइड को भी इंजॉय करें, लेकिन खुदा के वास्ते जो है वो गाड़ी हल्के चलाएँ। सामने बादल देख रहे हैं आप, मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि बारिश नज़र आ रही है सामने दोबारा से, और यहाँ बारिश इतनी ठंडी होती है ना कि मैं सारी जो टूर है ना वो ठंडा कर देती है। देखें अब ये ठंडा पानी बह रहा है, आपको तकरीबन बाबूसर तक अब ये ठंडी ठंड है इस ठंडक में। खैर हम तो सब पैक हैं बिल्कुल, मैंने भी अपनी जैकेट्स वगैरह सब पहनी हुई है। अच्छा एक और बात बताऊँगा, कल रात में हमने नारान से शॉपर्स ले लिए थे बड़े बड़े, क्योंकि इतनी ठंडी बारिश हो रही थी
तो बरसाती से भी नहीं रुक रही थी वो, अब अंदर जाहिर सी बात है सब गर्म रखने के लिए जो है वो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। भाई बाटक कुंडी जो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस है वो मैं आपको नहीं दिखा सकूंगा। वो वजह ये है कि बारिश इतनी ज़्यादा हो गई इस जगह पे कि हमने अपने कैमरे वगैरह मोबाइल वगैरह सब अंदर रख लिए क्योंकि बारिश पड़ती जा रही थी। आप मौसम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ख़तरनाक मौसम हो गया था। अच्छा भाई, अभी हम बाटा कुंडी वगैरह सब क्रॉस करके आ गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा थोड़े जगह धूप मिली है। साकिब भाई की बाइक जो है वो प्लग वगैरह चेंज किया है, गाड़ी ओके हो गई, उनकी चढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सारी चढ़ाइयाँ हम करके आए हैं। जो गाड़ियाँ आ रही हैं अभी नीचे से, बहुत मतलब हम अच्छी खासी हाइट पर हैं। आप अगर मैं दिखा सकूँ, देखिए पीछे बर्फ़ भी पड़ी हुई है, यहाँ से बहुत मतलब बहुत कमाल व्यू आ रहा है। तो अभी अब हम खड़े हैं लुलु सर लेक पे, और लुलु सर हम सही 11:30 बजे के करीब, हम तकरीबन 12 बजे के करीब लुलु सर आ गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुल्लू भाई पीछे रह गए, अवैध भाई, तो उनका इंतज़ार में रुके हुए हैं। तो मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो ही कर लें, शॉपर वगैरह लगा लिए क्योंकि बारिश दोबारा शुरू हो गई थी। और आप कुछ भी कर लें, बरसाती पहन ली, जैकेट्स वगैरह सब कुछ, लेकिन बारिश आपके अंदर जानी ही जानी है। अच्छा लुलु सर जो है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्स इन पाकिस्तान, मतलब इसके हुस्न की बात ही अलग है, आपकी आंखें टिक जाएंगी यहाँ पे। भाई हम आ गए बाबू सर पे, अभी पूरा चढ़े नहीं है और बर्फबारी शुरू हो गई है। यहाँ रुके हुए थे गाड़ियों से फिल्टर निकाल लेते और बर्फबारी शुरू हो गई। ओहो, ये रूई के गोले आसमान से गिरते हुए। यस यस, हम भी तो हैं। ये हैं अदनान भाई। अदनान भाई अभी अभी बर्फ स्टार्ट हुई है, स्टार्ट हुई है बर्फ। कमाल, आइए आपको नीचे का व्यू दिखाते हैं। भाई यहाँ पे बहुत आहिस्ता गाड़ी चलानी चाहिए, ये ऐसे नहीं चलानी चाहिए गाड़ी ना यहाँ पे। तो भाई ये तो भाई ने जिंदगी में पहली बार देखा है ये। अभी थोड़े से जो स्मॉल पार्टिकल्स में हैं, ज़रा देखते हैं आगे जाते हैं तो यकीनन कि बर्फबारी अच्छी मिलेगी। अच्छा जी, हम बाबू सर पे खड़े हैं और बर्फ़ तो पड़ती हुई यकीनन दिख रही होगी आपको, ये बर्फ़ पड़ रही है। बाबू सर पे खड़े हैं, ठीक ठाक बर्फबारी हो रही है और आप देख सकते हैं ये 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 मत है। ये खड़े असद भाई फोटोग्राफी कर रहे हैं और कैसा मजा आ रहा है। पकोड़ा खाए आप? पकोड़ा खिलाए, बहुत लजीज है। और जो है ओह कुछ गर्म गया खाने को। अच्छा देखा तेरा यार मुश्किल करने का, कैसा लग रहा है हसन भाई पहली बार आया अभी? बहुत मजा आ रहा है। गुल्लू भाई थोड़ा सा टफ है लेकिन जो है ना चलो यहाँ हाँ हम ये बोले भाई यहाँ से निकलो क्योंकि बर्फबारी हो रही है और हवा भी चल रही है। आप आपको शायद दिख जाए कि हवा चल रही है ना, तो उसकी वजह से ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, हाथ जम रहे हैं बिल्कुल शदीद, तो ग्लव्स पहनेंगे अब।
या अल्लाह, खैर मौसम जो है वो यहाँ काफ़ी ख़राब हो गया, तो इस वजह से हम यहाँ से जल्द अज जल्द निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये बाबूसर से नीचे उतर रहे हैं बाबूसर वैली की तरफ, और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये तमाम जो है वो क्लाउड्स हैं, और आप देख सकते हैं कि बर्फ़बारी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होना शुरू हो गई है। मेरे हेलमेट के ऊपर भी और कैमरे के ऊपर भी जो है वो बर्फ़ यहाँ जमना शुरू हो गई है, तो बेहतर ये है कि हम जितना जल्द हो सके इस जगह को क्रॉस कर लें, क्योंकि आगे विजिबिलिटी भी तकरीबन ज़ीरो हो रही है। ये फॉग नहीं है, ये बेसिकली क्लाउड्स हैं, जो के बाबूसर क्योंकि इतनी टॉप है, इतना उसकी हाइट है कि वो बादलों को टच करता है। और अमूमन यहाँ पहाड़ों के साथ यही है कि आपको जो पीक है ना जो बिल्कुल वो आपको दिखती नहीं, क्योंकि अमूमन बादल उसको कवर किए हुए होते हैं, और विजिबिलिटी जब इतनी डाउन हो जाए ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाबूसर जब आप उतरते हैं तो बहुत तेज़ी से उतरना है और बहुत ज़्यादा उतराई है, तो आपको ख्याल रखते हुए। अच्छा, यहाँ ब्रेक का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये इतनी तेज़ी से नीचे जा रही है कि अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक या तो आपकी जो ब्रेक फेल हो सकती है, यहाँ पे बहुत ख़राब मौसम होता जा रहा है। तो एज सुन एज़ पॉसिबल हम इस जगह को देख रहे हैं, आप जब टर्न लें तो आप गाड़ी के गियर उतार लें ताकि कम गियरों में, यहाँ जगह जगह लिखा हुआ है जी ये है बाबूसर वैली, हम बहुत ऊपर से उतरे हैं, वो जो टॉप है ना वहाँ से उतर के आ रहे हैं। ठीक है, अब हम जा रहे हैं चिलास की तरफ, यहाँ से देख रहे हैं आप कि हमारे बाइकर्स भी आगे निकल गए, वहाँ वो वहाँ खड़े हुए हॉर्न कर रहे हैं, वो वहाँ रहे। भाई बाबूसर से चिलास का रास्ता तकरीबन कोई 45 से 50 मिनट का है, ठीक है, अगर आप नॉर्मल स्पीड पर ट्रैवल करते हैं। दो तीन बातें यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब आप बाबूसर से नीचे उतरते हैं चिलास की तरफ तो बीच में जो रोड पे ना अक्सर बच्चे आके खड़े हुए होते हैं ना, और वो बच्चे बड़े ख़तरनाक बच्चे हैं, आपने क्या करना है कि आपने कुछ अपने पास टॉफ़ीज़ या बिस्किट्स या कुछ खुले पैसे रख लें, जब आप नीचे जा रहे हो तो बच्चे खड़े होते हैं, जाहिर सी बात है यहाँ कोई ऐसा कोई ऑक्यूपेशन जो है वो वजूद में नहीं है, तो आप उनको वो चीज़ें दे दें। अगर आप नहीं देंगे तो वो आपसे पहले जो है वो आप जब तक टर्न लेके आगे से नीचे आएंगे ना तो पहाड़ पे से उतर के नीचे आ जाएंगे और आपको मारेंगे पत्थर, तो उससे बेहतर है कि आप पत्थर खाने से बेहतर है कि आप उनको एक बिस्किट का पैकेट दे दें, वो आपको बदले में कभी कभी सेब दे देते हैं, कभी अंगूर दे देते हैं, तो वो भी अपने हिसाब से जो है वो अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि भाई बाबूसर से चिलास तक का रास्ता जितना छोटा है उतना ही मतलब अजीब है रास्ता, क्योंकि आप इतनी सर्दी से उतरते हैं बाबूसर, बर्फ़ अगर बर्फ़ नहीं भी होगी तब भी ठंडा होगा, इतनी ठंडक होगी वहाँ पे कि आपको आप जैकेट की नीड होगी, लेकिन जब आप नीचे उतर रहे होते हैं चिलास तो चिलास पहुँचते पहुँचते आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह मुल्तान वाली गर्मी, तो आपके कपड़े जो है वो रास्ते के अंदर ही उतरना शुरू हो जाएंगे, मेरी जैकेट्स वगैरह सब चीज़ें जो है वो रास्ते के अंदर उतरना शुरू हो गई थी। इवन ये कि जो सेफ्टी गियर मैं यूज़ कर रहा था बस सिर्फ एक लाइट शर्ट और ट्राउज़र पहना, फिर उसके बाद जब हम गिलगित दाखिल होने लगे तो अच्छी शदीद कोई गर्मी थी, कोई शदीद गर्मी, तब जाके हमें पता चला कि भाई गर्मी मुल्तान वाली क्या है, वो चिलास ने बताया, क्योंकि अक्सर लोग चिलास से जो है चिलास में जो बर्फ़ की सिले होती है ना पूरी पूरी सिले काट के बाबूसर से वो चिलास लेकर आते हैं ठंड के लिए कि थोड़ी सी काबिले बर्दाश्त हो जाए, और हम इस राइड को एंजॉय करते हुए अब यहाँ से गिलगित के अंदर एंटर हो रहे हैं।
एक मुद्दत से फरेबे सफर खा रहे हैं हम, एक मुद्दत से फरेबे सफर खा रहे हैं हम, मालूम ही नहीं है किधर जा रहे हैं हम। तो भाइयों, ये है करकरम हाईवे जो आपको सीधा चाइना से जोड़ देता है। दुनिया के 15 खूबसूरत तरीन रोडों में से एक रोड है, और चाइना ने की कॉरपोरेशन के साथ ये रोड जो है वो तामीर हुआ है। कुछ लोग इसको दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं, लेकिन अगर सच पूछें तो इस रोड पे राइड करने का जो मज़ा है ना, वो आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिल सकता। एक तरफ आपके दरियाए सिंध इंडस रिवर बह रहा है, और एक तरफ आपके चटियल पहाड़ हैं जिनमें कलर्स हैं, खूबसूरती है, बहुत कमाल है। तो आप देख सकते हैं राइड को एंजॉय करने का जो सही मज़ा है ना, वो इसी जगह है आराम से। लेकिन ये ख़तरनाक भी है काफ़ी हद तक, क्योंकि जो इंडस रिवर है वो काफ़ी डीप है। मतलब आपको कहीं से दिखेगा तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ एक साइड आप देखेंगे ना, आपको अजीब वहशत सी हो जाएगी। लेकिन अगर रोड की बात करें तो रोड मजेस्टिक व्यूज़ के साथ बहुत कमाल, बहुत कमाल। और सेफ राइड करें, मज़ेदार राइड है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपनी राय से आगाह कर दें। मैकेनिक को दिखाई है साकी भाई की गाड़ी जो मसला कर रही थी, तो मैकेनिक को दिखाई है। मैं भी सोच रहा हूँ कि ऑयल चेंज करा दूँ, देखते हैं। अब व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब थकन हो रही है ना। हम नारान से निकले थे सुबह, नारान से गए हम बाबूसर टॉप, बाबूसर से उतरे नीचे बाबूसर वैली चिलास। अभी हम आ गए ये से, अभी हम आ गए हैं जगरोट, जो रास्ता ये निकले जा रहा है। तो देखते हैं थकन बहुत शुरू, कोई ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं, क्योंकि आज हम बगैर नाश्ते के निकले हैं। जो है नारायण में इतनी शदीद बारिश हो रही थी, फिर अगर वहाँ स्टे करते ना तो बारिश और बढ़ जाती। लग तो ऐसा रहा है कि यहाँ पर भी बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी टाइम है थोड़ा सा। होटल दिखा है, पहले ही होटल में समझ में आ गया, हमने होटल लिया। हम रात को सो गए, बंदे से पूछा हमने, यार गाड़ी हमने आगे आना, उसने आप सो जाओ, सुबह उठोगे ना गाड़ी यहाँ पर खड़ी होती है, जो समझ में आप बात कर लेना चले जाना। तो वहाँ चचा मियाँ एक आए आई जेट वाले, उनसे बात हो गई 14,000 में ना। हम कई पूरा में घुमाएंगे, सिर्फ हमें एक आगे एक पॉइंट था वहाँ के लिए हमें चीज करनी पड़ती, वो हमें लेके आते हैं वापस ले जाते 14,000 रुपये। और हमने बंदे से पूछा था पिंडी से, भाई सिर्फ ले जाने के और वापस लाने के 40,000 रुपये मांग रहा था। हम घूम फिर के आ गए भाई, और हमने जाके जो है ना आगे आके एक होटल करवाया, होटल कोई क्लास होटल, तो भाई अच्छा खासा लंबा रूम था, डबल बेड अलग पड़ा हुआ था, सिंगल बेड अलग पड़ा था, सोफे पड़े हुए थे, एलसीडी लगी हुई थी, और हर वॉशरूम का मतलब उसमें एक ही वो, मतलब हर कमरे का जो वॉशरूम था ना उसमें अपना वो गीजर लगा हुआ था। रात को तो हम सो गए, सुबह जब उठे ना हमने, यहाँ यहाँ पे दरवाजा खोला भाई, सामने से
दो दरिया यूं आके टकरा के सीधे एक ओपे चले और आपकी खिड़की के नीचे पानी था। आप खिड़की के नीचे देखो तो पानी था बाहर। उसने भाई बताएगा दो टेबल दो कुर्सियाँ रखी हुई थी, आप बैठ के फुल